गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर इज फाउंडेशन बायो लेक्चर नंबर 18। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्टडी ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला गया है। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स that contain digestive enzymes. They are found in eukaryotic cells, primarily in animal cells and plant cells, and they are absent in prokaryotic cells. So the primary function of lysosome is extracellular and intracellular digestion at acidic pH. तो lysosome का जो main functions है बेटा वो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड डाइजेशन आउटसाइड द सेल एंड डाइजेशन इनसाइड द सेल, है ना। इंट्रा मीन्स विद इन द सेल एट एसिडिक पीएच। सो लाइसोसोम ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है दे वर डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट था जिन्होंने 1955 में उसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला गया। ठीक है, तो लाइसोसोम्स दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। उसको अपन देखेंगे कि बाद में कि सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल उसको क्यों बोलते हैं, लेकिन लाइसोसोम का दूसरा जो नाम है वो सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल है। और वो जो नाम जो है वो डी ड्यूवे नाम के बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट ने 1955 में दिया। डी ड्यूवे डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स इन ए फ्रैक्शन दैट वॉज इंटरमीडिएट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स जो सेल ऑर्गेनेल्स है या सेल स्ट्रक्चर्स है इसके बीच का इंटरमीडिएट फ्रैक्शन जो है वो है लाइसोसोम्स। सो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइसोसोम्स। तो ये जो है लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर्स है, तो लाइसोसोम्स को एक सिंगल मेम्ब्रेन रहती है। तो यहाँ पर अपन ने बताया कि लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एंड दिस मेम्ब्रेन जो है दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। वो किससे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है। उसके बाद में इस लाइसोसोम्स के मैट्रिक्स पार्ट में जिसको अपन लाइसोसोमल मैट्रिक्स बोलते हैं, सो दिस मैट्रिक्स पार्ट ये जो इनसाइड द मेम्ब्रेन है देर इज अ मैट्रिक्स और फ्लूड पार्ट, तो जिसको हम लाइसोसोमल मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट। उसके बाद में अगर हम एनाटॉमी ऑफ लाइसोसोम देखते हैं, यानी लाइसोसोम को अगर अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर्स हमको कैसा दिखता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स में हमको दिख रहा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी ये जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में लिंक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको बोला गया है। उसके बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकंड जो लेयर है मतलब लाइसोसोम में अगर सेकंड लेयर है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। उसके बाद में फिर आता है लिपिड लेयर आती है, उसके बाद में फ्लूड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, और इस मैट्रिक्स में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी हम अगर लाइसोसोम्स में एनाटॉमिकली अगर हम लाइसोसोम्स में आउटर टू अगर इनर जाते हैं तो पहले मेम्ब्रेन रहेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मेम्ब्रेन रहेंगे जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। उसके बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगी, उसके बाद में जो है लिपिड बायलेयर रहेंगी, उसके बाद में फ्लूड पार्ट रहेगा, उस फ्लूड पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, और इस मैट्रिक्स में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइसोसोम्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है ना। तो लाइसोसोम्स के फंक्शंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइसोसोम्स के जो फंक्शंस है उन फंक्शन पर से ही उसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला गया है, या वो किस तरीके से टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है या डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, इसके ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके जो फंक्शंस है ये तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। तो यहाँ पर पहला फंक्शंस बताया गया है कि लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड
वायरसेस दस प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है लाइसोसोम्स का कि वो बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन मटेरियल को या लिविंग सेल को या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम एनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये हो गया उसका पहला इम्पोर्टेंट फंक्शंस। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शंस है दे हेल्प इन रिमूविंग द डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स बाय डाइजेस्टिंग देम। यानी सेल ऑर्गेनिल्स अगर डेड हो गया या सेल ऑर्गेनिल्स नॉन फंक्शनल हो गया या सेल ऑर्गेनिल्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो लाइसोसोमीय सेल ऑर्गेनिल्स को है। उसके बाद में दे ब्रिंग द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स विद इन द सेल। यानी वो खुद सेल के अंदर प्रेजेंट है एज अ सेल ऑर्गेनिल्स, लेकिन वो पूरे सेल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स, है ना, विद इन द सेल। इसीलिए उसको बोला गया है दे एक्ट लाइक सुसाइडल बैग्स इन डैमेज्ड सेल्स। यानी जो भी सेल्स में डैमेज, इंजुरी, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस सेल में, उस सेल को या सेल ऑर्गेनिल्स को वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, डायरेक्टली इनगल्फ कर सकता है। इसलिए उसको बोला गया है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो इस तरीके से लाइसोसोम ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स है। और आपको ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन से आया हुआ है ना। सो गोल्गी मतलब लाइसोसोम्स का जो ओरिजिनेशन है, या लाइसोसोम दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको लाइसोसोमी सेल ऑर्गेनिज जो है वो पूरा क्लियर कर समझ में आया होगा। तो देखो लाइसोसोम सबसे पहले लाइसो यानी क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं, एंड जोम्स मीन्स बॉडी, ठीक है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, तो वो कोई भी केमिकल कंपाउंड को या सेल ऑर्गेनिज को या होल सेल को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल स्पेशली और प्राइमरीली इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बट दे आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है लाइसोसोम का एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एट एसिडिक पीएच। सो लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसोसोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूए, अ बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट इन द ईयर 1955, who designated them as a suicidal bags। यानी उसको suicidal bags of the cell किसने बोला गया, इसको से साइंटिस्ट ने बोला, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट ने बोला, डी ड्यूए ने, ठीक है। डी ड्यूए डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स इन ए फ्रैक्शन दैट वॉज इंटरमीडिएट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स पर वो वर्क कर रहा था डी ड्यूए, तो उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में एक सेल ऑर्गेनिज्म मिला जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर्स, जिसमें मेम्ब्रेन है और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो अगर अपन उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसको अपन एनाटॉमी ऑफ लाइसोसोम बोलते हैं, तो हमको उसमें वेरियस कंपोनेंट्स दिखेंगे। जैसा पहला ऊपर का कंपोनेंट दिखेगा, उसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच इज़ अ ग्लाइकोसाइलेटेड, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यानी यहाँ पर जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक है, इसलिए इसको ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोले है। उसके बाद में उसके नीचे जो लेयर रहती है वो किसके रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीचे लेयर किसकी रहती है, लिपिड की लेयर रहती है। उसके बाद में इस लाइसोसोम्स के अंदर फ्लूइड पार्ट ऑफर होता है, जिसको अपन बोलते हैं लाइसोसोमल मैट्रिक्स और लाइसोसोमल फ्लूइड, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मेन फंक्शंस क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करना। एंड व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जिस रिएक्शन में वाटर को ऐड कर अपन एखादे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक
reactions. And these are all the functions of lysosome. तो पहला फंक्शन है lysosomes destroy any foreign material which enter the cell such as bacteria and viruses. So it protect the cell from infection. Second है they help in removing the dead and worn out cell organisms by digesting them. और तीसरा फंक्शन है they bring self destruction of a cell by releasing their enzymes within the cell. So they act like suicidal bags in damaged cells. तो मुझे लगता है कि आपको सभी को lysosome cell organelles आसानी से समझ में आया होगा. इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. अपन ने फर्स्ट सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स लिया. इसके पहले अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से सारे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स लिए. तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क मी पर्सनली और इन द फाउंडेशन लेक्चर ग्रुप्स. ठीक है, तो फाउंडेशन बैच ग्रुप आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच.